आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाशरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरु तत्व की कृपा की छाया में होने वाले इस वेबिनार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। और गुरु कृपा की यात्रा को ही हम आज के इस कार्यक्रम में भी आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए हमने एक सद् शिष्य को चुना है या उनका आश्रय लिया है। उनका नाम है स्वतंत्र कुमार। कैन यू म्यूट म्यूट योर सेल्फ प्लीज। हु इज दिस? तो स्वतंत्र कुमार जी का आश्रय लिया है हम लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए। और स्वतंत्र कुमार जी और मैं नौकरी के मामले में एक दूसरे के सहकर्मी रहे हैं। हालांकि हमारी मुलाकात बहुत बाद में हुई एक दूसरे से। 2006 में पहली बार हम एक दूसरे को मिले, लेकिन मिले तो ऐसे मिले, कहते हैं कि जो अध्यात्म का परिवार होता है उसके लोगों की जो परिचय होता है उसमें बड़ी जल्दी आत्मीयता बन जाती है। तो जिस दिन ही मिले उस दिन ही हम दोनों एक दूसरे के हो गए। और आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कुछ ही दिनों बाद एक बार हम दोनों साथ में कोल्हापुर गए थे सदगुरु गुरुनाथ विश्वनाथ मंगले जी के दर्शन करने के लिए। तो हम मुंबई से करीब 7:30 बजे निकले और वहां कोल्हापुर गए, उनका दर्शन किया सर का, लौट कर आए। 2 बजे रात में हम मुंबई पहुंचे और लगातार हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे पूरी यात्रा में। लेकिन 2 बजे रात में भी जब हम अपनी अपनी कॉलोनी में पहुंचे और उतरे तो पता ये लगा कि कोई किसी को जरा भी थकान नहीं हुई। तो जो दोनों के बीच में सत्संग हो रहा था ये उसका असर था कि कोई फिजिकल टायर्डनेस हम लोगों को पता नहीं लगी। और ये इस बात का भी की गवाही देती है कि हमारे बीच में बहुत अच्छी सिंक्रोनिसिटी थी जिसकी वजह से ही ऐसा हुआ। स्वतंत्र कुमार जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा इस जीवन में बहुत पहले से शुरू की है, मेरे से भी बहुत पहले से शुरू की थी। और यह यात्रा
इस बात की गवाही देती है कि कैसे जब मुमुक्ष की खोज सच्ची होती है तो किस तरह से उसके जीवन में एक के बाद एक ऐसी दूसरी संभावनाओं का विकास होने लगता है, एक के बाद एक ऐसे गुरु आने लगते हैं जो उसको रास्ता इस तरह से दिखाते हैं कि वो निरंतर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो स्वतंत्र कुमार जी मेरे विचार से इस समय बिल्कुल स्वतंत्र हैं, मुक्त आत्मा हैं। तो आप सभी उनको सुने और उनकी बातों से लाभ उठाएं और अपनी आस्था या अपना जो मुमुक्षुत्व है उसको दृढ़ करें, ऐसी मेरी कामना है। स्वतंत्र कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं जी ज्यादा देर आपके और आपके ऑडियंस के बीच में नहीं रहूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत यहाँ आने के। नमस्कार सर। जैसा गौर साहब ने बताया, हम लोगों की पहली मुलाकात 2004 में हुई थी हाँ गलत और पहले ही दिन जब मैं इनके पास कुछ मीटिंग होने वाली थी ऑफिस में, तो मैंने सोचा कि 20 मिनट है टाइम, तो नाम सुना था कि गौर साहब बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत ऊंचे लेवल के सुना था। मैं चलो आज दर्शन कर लेते हैं, 20 मिनट का टाइम है अभी मीटिंग शुरू होने में। तो मैं गया इनके पास, थोड़ा गपशप किया, चाय वाय पिया, कोई सीरियस स्पिरिचुअल बातें कुछ नहीं हुई। पर जैसे ही मैं इनके रूम से बाहर निकला, ऑफिस से बाहर निकला, तो मेरे पूरी बॉडी में ऐसे सेंसेशंस हुए कि वो 24 घंटे तक कंटिन्यू रहे और मैं इनका फेस बाहर आते ही भूल गया, बिल्कुल गायब हो गया, जैसे निर्गुण ब्रह्म है। तो वैसी अनुभूति मुझको उस समय हुई थी जब गौर साहब से मैं पहली बार मिला था। तो उसके बाद बहुत गुरु लोगों से भी जो मेरी मुलाकात हुई है, उनमें काफी गुरुओं से उन्हीं के माध्यम से मैं मिला हूं बाद, लेकिन उसके पहले जो मेरी शुरुआत हुई थी वो ओशो से हुई थी, भगवान रजनीश से हुई थी। तो जैसा एक बार काबरा जी ने भी आपको बताया था कि सोली भाई के साथ जब वो पहली बार बैठे, तो एक जो सुना उन्होंने सोली भाई से कि एनलाइटनमेंट इज योर बर्थ राइट एंड नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ऐसे ही एक जगह निसर्ग दत्त महाराज कहते हैं कि वंस ए पर्सन हैज हर्ड दैट एनलाइटनमेंट इज विद इन हिज रीच, देन ग्रेस कम्स एंड देन ही टेक्स ओवर, देन ही कैनॉट गो बैक, ही इज हुक्ड टू दैट स्पिरिचुअल क्वेस्ट। तो हम सभी लोग क्योंकि इस वेबिनार में यहाँ अभी उपस्थित हैं, तो ऑब्वियसली ये ग्रेस ऑफ गॉड के बिना नहीं होता। रामचरितमानस में भी कहते हैं कि राम की कृपा के बिना राम का नाम कोई नहीं ले सकता। तो जो क्वेस्ट भी हम लोगों की शुरू होती है, दिस इज द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम अवर परमात्मा, ओनली देन वी प्रोसीड अहेड। एक जगह और किसी ने पूछा गुरु से कि आपको इतना याद करते हैं, क्या आप भी हमको कभी याद करते हैं? सीताराम दास बाबा जी से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि एक्चुअली तुम मुझको तभी याद कर पाते हो जब पहले मैं तुमको याद करता हूं, उसके बिना तुम मुझको याद नहीं कर सकते हो। तो वी आर ऑल ब्लेस्ड दैट दैट मोमेंट हैज कम इन अवर लाइव्स वेयर वी हैव बिकम इंटरेस्टेड इन अवर परसूट ऑफ दैट मिस्टीरियस एलिमेंट, दैट मिस्टीरियस थिंग, दैट परमेश्वर। मेरा कोई बैकग्राउंड बचपन से धर्म वर्म का कुछ था नहीं, आर्य समाजी परिवार था, आर्य समाज का भी वो कुछ नहीं करते थे और सनातन धर्म का भी कुछ नहीं करते थे, न पूजा पाठ करते थे न कुछ करते थे।
तो मैं भी उसी माहौल का आदमी था, फिर इंजीनियरिंग कर लिया, वो भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाला ही मामला था। तो कभी भी इसका मुझको टच कभी भी स्पिरिचुअल चीजों का नहीं रहा था। लेकिन हम लोगों के जीवन में अपने आप कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम लोगों की शुरुआत हो जाती है। जब बहुत बाद में हम सोचते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद, तब पता लगता है कि जो चीजें पहले एक्सीडेंटल लग रही थी, जैसे अचानक हो गई है जीवन में, या स्ट्रेट हॉट है हमारा, तो वो वैसा नहीं होता। बाद में समझ में आता है कि ये तो भगवान ही या गुरु ही हाथ पकड़ करके हमको लेकर के चल रहे थे, और ये सब उन्हीं का किया हुआ है, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं नागपुर में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई, और मुझको ऐसे ही लगा कि ये हिंदू क्या होता है, हम सब लोग हिंदू हैं, हिंदू होना क्या होता है। दो चार छह लोगों से पूछा, लोगों ने कुछ हल्का फुल्का जवाब दिया, फिर कहने लगे यार तू छोड़ इसको, विवेकानंद का कुछ पढ़ ले, उसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, धर्म रहस्य, हिंदू रहस्य, ये सब उन्होंने बताया हुआ है, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो रेलवे स्टेशन जाकर के ले आया किताब, वो पेपर बैग जो आती थी विवेकानंद की, पढ़ा, अच्छे लगे, लेकिन फिर भी कुछ क्लिक कुछ नहीं हुआ तब तक भी। तो चलता रहा ऐसे ही। फिर 1980 में डिसीजन लिया कि भाई अब शादी वादी कर ली जाए, नौकरी वोकरी में आए हुए 2 साल हो गए थे, तो गए एक लड़की देखने बॉम्बे। तो उन्होंने देखा मेरा स्ट्रक्चर, उसकी माँ ने, जो लड़की की माँ रही होगी, उसको लगा कि ये भी कोई आदमी है, तो वो उन्होंने मुझको लड़की दिखाने से मना कर दिया। अब मेरे पास तो 3 दिन बाद वापस आने का टिकट था बॉम्बे से नागपुर, तो 3 दिन क्या करेंगे। तो मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड थे, जिनको मैं बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, वो भी, उनको इसलिए बुलाया था कि वो भी सलाह देंगे मुझको चूज करने के मामले में। उनको थोड़ा बहुत ज्ञान धर्म का था, उन्होंने कहा चलो अच्छा पूना चलते हैं, 3 दिन का टाइम है, तो पूना में ओशो आश्रम है, वहां चल के देखते हैं। मैं चलो भाई, तो ओशो आश्रम चले गए। तो फिर उतनी गहरी श्रद्धा तो थी नहीं, इसलिए टाइम पे नहीं पहुंचे, 7 बजे पहुंचना था, 7 से 8 उनका लेक्चर हुआ करता था ओशो का, ये 1980 की बात है। तो हम थोड़ा लेट हो गए, तो घर लेट हो गए, तो वहां तो घुसने कोई देगा नहीं, वहां तो बहुत स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट रहता था। तो हम अपना ही बाहर का थोड़ा बहुत देख दाख करके आश्रम में किताब विताब देखने लगे, तो किताब में बहुत महंगी दिख रही थी सब, वो अपनी पॉकेट से बाहर थी उस जमाने के, जो हमारी सैलरी मिलती थी उस जमाने में। तो एक पेपर बैग छोटी सी पतली सी किताब दिखाई पड़ी, जो 2 रुपए की थी। मैंने चलो ये तो अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो किताब ले लिया, उसका नाम था सत्य की खोज। पढ़ना शुरू किया उस किताब को ट्रेन में आते हुए, पढ़ा तो उसमें एक चीज बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक की मुझको, दैट वाज द फर्स्ट बुक जो मैंने ओशो की पढ़ी। उसमें लिखा था कि अगर बेड़ियों को आभूषण समझ लिया जाए, या जेल को घर समझ लिया जाए, तो फिर छूटने का कोई उपाय नहीं है। तो जिन चीजों को, जैसे रिलेशनशिप्स हैं, स्नेह जिसको हम कहते हैं, बड़ा ही पॉजिटिव एस्पेक्ट समझते हैं, अटैचमेंट को, मोह को बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट समझते हैं रिलेशनशिप्स को, कहने यही तो बंधन है। विचारों से तादात्म्य, प्रिंसिपल्स के प्रति लगाव, तो अपने जो भी अच्छे बुरे का ज्ञान है, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, और जो संबंध हैं चीजों से, लोगों से,
यही बंधन का कारण है, उन विचारों से ही, उस स्नेह से ही हम लोग बंधे हुए हैं। इसको अगर हम आभूषण समझेंगे तो फिर इससे छूटने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम तो उसको बड़ी स्ट्राइक की, मेरा बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर जाते थे बीच बीच में कभी इलाहाबाद, तो वहां जो मेरी वाइफ के पिताजी हैं वो भी ओशो का कुछ पढ़ते थे थोड़ा बहुत, तो ट्रेन में समय काटने के लिए एक दो किताब वहां से उठा के ले आते थे, प्रभु मंदिर के द्वार पर आंखों देखी सांच, पर जितना रास्ते में पढ़ा बस उतना ही पढ़ा, बाकी उस किताब को कंप्लीट भी नहीं किया। अच्छी लगती थी पर शुरुआत कोई नहीं हुई। तो फिर धीरे धीरे 1982 में ऑफिस में कुछ टेंस सिचुएशंस क्रिएट हुई, कोई बॉस से, टैक्स पेयर से कुछ थोड़ा झगड़ा वगड़ा और थोड़ी नाराजगी शुरू होगी। तो ऑफिस में भी मुझको एंगर भी बहुत आता था, वायलेंस का एलिमेंट आता था, लगता था जिससे नाराजगी उसका मर्डर ही कर दें, इतने भयंकर विचार आते थे। फियर भी आता था, ऑफिस में बैठे बैठे कुछ गलती नहीं कर रहे हैं पर लगता था कि बॉस बुलाएंगे अभी डांट देंगे, तो फियर और एंग्जाइटी का लेवल भी बहुत था और एंगर और वायलेंस का एलिमेंट भी बहुत था। पर क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर कमजोर था तो कभी हिम्मत नहीं किया, मतलब लड़ने वड़ने की या कोई एक्शन लेने की उसके ऊपर, पर मन के अंदर रिएक्शन बहुत जबरदस्त रहता था और लगातार रहता था, कंटिन्यूसली रहता था। तो लेकिन जब सामने वाला गलती करेगा तो क्रोध तो आएगा ही, इसमें गलत क्या है? बॉस डांटने वाला होगा तो एंग्जाइटी तो होगी, फियर तो होगा ही, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, यही लोग बदमाशी कर रहे हैं जो सामने वाले। तो फिर अपने तो बदलने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि हम तो गलत ही नहीं है, हम तो सही है, और हमारा जो रिएक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, सभी का वैसा होता है, सामान्य है, तो सामान्य है तो कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ऐसे ही थोड़ा और चलता रहा, एक आध साल और निकल गया। तो एक हमारे बॉस थे बहुत ही नॉलेजेबल, हाईली नॉलेजेबल, वेरी कॉम्पिटेंट, तो उन्होंने धर्म का बहुत जबरदस्त ज्ञान था उनको, गीता कंठस्थ याद थी उनको और बहुत चीजें याद थी मतलब। तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र कुमार एग्जीबिशन लगी हुई है ओशो की बुक्स की, प्रदर्शनी लगी हुई है, चलते हो क्या? अब बॉस पूछेंगे तो क्या कहेंगे, यस सर। तो अपना साथ में बॉस के साथ चले गए प्रदर्शनी देखने। तो उन्होंने गीता के ऊपर बहुत कमेंट्री पढ़ी हुई थी, ऑलमोस्ट ऑल अवेलेबल कमेंट्रीज ही रेड, कम से कम 20-25 कमेंट्री तो पढ़ी चुके होंगे गीता के ऊपर। तो फिर उन्होंने गीता की कमेंट्री उठाई वहां से ओशो की, जिस पर्टिकुलर श्लोक में थोड़ा बहुत उनको कंफ्यूजन रहा होगा, पढ़ा तो ही वाज ओवरवेल्म्ड। तो 14 वॉल्यूम थे गीता के, तो वो उन्होंने खरीद लिए, गीता पे लेक्चर ओशो के। अब मैंने सोचा ये तो बहुत पैसे की किताब है, इतनी तो अपनी नहीं खरीद सकते। लेकिन मैंने कभी थोड़ा बहुत, मेरे भाई की एक बार डेथ हो गई, मतलब सुसाइड कर लिया था मेरे छोटे भाई ने, उस समय गीता वीता पढ़ने के लिए घर वालों ने बोला था, तो मैं बैठ के पढ़ रहा था एक दिन, तो उसमें नीचे एस्ट्रिक लगा करके कुछ श्लोक के नीचे कुछ उपनिषदों के नाम लिखे हुए थे। तो मैंने कहा ये उपनिषद भी कोई लगता है चीज होती होगी, क्या होता होगा पता नहीं, पर कोई अच्छी चीज होती होगी जो गीता में भी जिसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो वहां जब किताब में देख रहा था प्रदर्शनी में, तो एक दिखाई पड़ा कि 5 उपनिषदों का एक सेट है, उसकी कीमत कम थी, थोड़ा 250 रुपये थी 5 की मिलाकर के। मैंने चलो जैसे कैसे इसको तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ले लिया, घर आए पढ़ना शुरू किया। जब पहला उपनिषद पढ़ा, दैट वाज कठोपनिषद, और कठोपनिषद में जैसे ही उसको पढ़ा तो एकदम एब्जॉर्ब कर लिया उसने मुझको, इतनी बुरी तरह पकड़ लिया, मतलब कि मार्च का महीना था, टाइम बारिंग असेसमेंट थे
और मैं सोचू अच्छा थोड़ी देर में करता हूँ काम, पहले 4-5 पेज पढ़ लू। तो आई वॉज फुल्ली एब्जॉर्ब एंड आई लव्ड इट सो मच। तो फिर मैंने जो दूसरे उपनिषद थे, सर्वसार उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद, जितने भी थे, 5 लाया था, 5 पढ़ लिए। फिर मैंने कबीर के ऊपर, गीता के ऊपर, मीरा के ऊपर जो कमेंट्रीज थी वो बहुत सारी उनकी पढ़ी, ओशो के लेक्चर्स पढ़े। पढ़ते पढ़ते ये बहुत से लोग जब पढ़ते हैं ओशो को तो उनको कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आते हैं कि एक लेक्चर में जो बात कह रहे हैं दूसरे लेक्चर में उसका उल्टा बोल रहे हैं। लेकिन मुझको जीवन में ऐसा कभी लगा ही नहीं। मैं जब एक चीज पढ़ता था तो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कही जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही बात थी। वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है तो दूसरी उसकी अपोजिट बात ठीक हो जाती है। कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ व्यवहारिक ज्ञान के मामले में नहीं है। पराविद्या अलग है जो ब्रह्म की नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, बट अपराविद्या जो है, व्यवहारिक ज्ञान जो है, उसमें सही और गलत कंटेक्चुअली होता है, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता। जैसे जीव हत्या पाप है, लेकिन अगर कोई पुलिसमैन किसी गुंडे को मार देता है सेल्फ डिफेंस में, या आर्मी में जाकर के बॉर्डर पे मारते हैं दूसरे आदमियों को, तो वहां बहुत को पुण्य और बहुत पॉजिटिव चीज मानी जाती है। तो लाइक दैट देर आर नो एब्सोल्यूट ट्रूथ्स इन व्यवहारिक ज्ञान। एक देश में जो मान्यताएं हैं दूसरे देश में बिल्कुल अलग होती हैं, एक धर्म की मान्यताएं दूसरे धर्म से बिल्कुल अलग होती हैं, एक में जो सही माना जाता है गलत दूसरे को लगता है। जो हम पहले सही समझते थे वो उसमें से कुछ चीजों को आज गलत समझते हैं, जिसको पहले गलत समझते थे उसको आज सही समझते हैं। तो देर इज नथिंग जो कोई एब्सोल्यूटली करेक्ट या इनकरेक्ट हो। ये एक व्यवहार के लिए उपयोगी चीजें हैं। वो सो कहा करते थे कि आपका जो पर्टिकुलर एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है उसी से बंदी आप हुए हुए हैं। लॉजिक के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जब उसकी फाउंडेशन खत्म हो जाती है तो जैसे एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला, दोनों बेकार हो गए, तो वो पहला विचार और दूसरा विचार जो एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए काम में आ रहे थे दोनों ही यूजलेस हैं। दोनों को फेंक दो, उनको उठाकर रखने की जरूरत नहीं है। तो मुझको जब सुनता था या पढ़ता था तो एब्सोल्यूट श्रवण, जैसा गौर साहब एक बार बता रहे थे कि राइट लिसनिंग क्या है, श्रवण क्या है, जहां आप बिना किसी पूर्वाग्रह के एक बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते, उस समय उसका मूल्यांकन नहीं करते, तो सही तरीके से सुना जाएगा। अदरवाइज अगर आप बीच में सोचना भी शुरू कर देंगे तो यू विल मिस सम पॉइंट, सम वर्ड्स, एंड टू कंप्लीट इट योर माइंड विल सप्लाई दोज वर्ड्स। तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी एग्जैक्टली वो नहीं होगी जो सामने वाले ने कहा, उसमें कुछ कुछ ब्लैंक्स बीच में आ गए आपके विचार के कारण से, और उस ब्लैंक्स को फिल कर दिया फिर माइंड ने और अपने हिसाब से उसको सजा लिया। तो श्रवण के लिए श्रद्धा आवश्यक है। जिसकी सुन रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा अगर नहीं है, अगर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म आपका ऑन है कि कहीं एम आई नॉट बीइंग टेकन फॉर राइड, कुछ ब्रेन वॉशिंग तो नहीं हो रही, कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे साथ, अगर ऐसा भाव रखेंगे तो फिर लिसनिंग नहीं होती है और फिर अंडरस्टैंडिंग गलत होती है। भगवान की कृपा थी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझको कॉन्ट्राडिक्टरी आज तक एक भी बात जीवन में लगी ही नहीं। जिस चीज को जब सुनता हूं बिल्कुल ठीक लगती है उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें कही जा रही है।
तो ऐसे पढ़ता गया, पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ करके बड़ा ओवरवेलम हो जाता था, बड़ा एक्साइटेड हो जाता था, क्या बात कही है, ये तो गजब कर दिया, देयर कैन नॉट बी ए बेटर थिंग और हायर हायर थिंग देन दिस। जब ओवरवेलम होता था शेयर किससे करूं, तो ऑब्वियसली पास में सुमन बहन रहती थी माई वाइफ, तो मैं उसको सुनाता था, तो वो रिलेक्टेंटली सुन लेती थी, इंटरेस्ट तो उसका था नहीं पर रिलेक्टेंटली सुन लेती थी। फिर बाद में जब किसी छोटी मोटी चीज पर हम लोगों का डिफरेंस होता था, थोड़ा झगड़ा होता था, तो फिर वो टॉन्ट करती थी, कहती थी बातें तो आप ऐसी ऐसी करते हैं और हरकतें ये हैं आपकी, तो उससे बिल्कुल तिल मिला जाता था मैं, आग लग जाती थी मुझको जब इस तरीके का रिएक्शन मिलता था। तो ये भगवान की कृपा है, ये अनलेस यू रीच ए बॉइलिंग पॉइंट, अनलेस यू प्रॉपरली फील द नीड, एब्सोल्यूट नीड फॉर योर इंप्रूवमेंट, तब तक आपके एफर्ट में सिंसियरिटी नहीं होगी और वो बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं करेगी। आप किसी के कहने सुनने से शुरू भी अगर कर लेंगे तो थोड़े दिन बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बट इफ प्रेशर इज बिल्ट अप तो स्टीम इंजन फिर चलने लगेगा, नहीं बना तो फिर नहीं चल पाएगा स्टीम इंजन। तो दिस वॉज गॉड्स ग्रेस कि ऑफिस में भी जरा टेंशन की सिचुएशन नहीं, और घर में भी टॉन्ट कर देती थी सुमन बीच बीच में, तो उससे मेरा एंगर जो है प्रखर रूप से वो निकल करके बाहर आया, वायलेंस का एलिमेंट अंदर से निकल करके आया, और फिजिकली कमजोर था तो इसलिए वो किया कुछ नहीं मैंने, तो दैट वाज अगेन ए ग्रेस ऑफ गॉड की ऐसी बॉडी दी है कि मैंने कुछ किया नहीं, मतलब करने पर स्थिति में नहीं। तो ऐसे चलते चलते जो लगा कि इतना एंग्जाइटी, इतना एंगर, इतना वायलेंस, ये कोई जिंदगी है जीने की, ये जीने लायक है? तो ओशो को तो लेकिन मैं पढ़ ही रहा था, दैट सपोर्ट वॉज देयर। जैसे बहुत लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उसके कारण से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका चेंज कुछ नहीं होता, लेकिन जिसके ऊपर भगवान का ग्रेस होता है वो इस सफरिंग से बीमार नहीं होता, डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसके अंदर उससे मुक्त होने की इच्छा पैदा होती है, उससे फ्रीडम पाने की इच्छा पैदा होती है। विद गॉड्स ग्रेस मेरे अंदर ये इच्छा पैदा हुई कि भाई ये तो कोई तरीका है नहीं रहने का, और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो ओशो की बुक्स पढ़ता ही था रोज, तो उसमें वो कहते थे कि देखो विचार के माध्यम पर आप अपना कंडक्ट नहीं बदल सकते, विल पावर से आप अपना कंडक्ट नहीं बदल सकते, ये ध्यान से ही बदला जा सकता है, इसका जो अर्थ नहीं है वो ध्यान के द्वारा ही चेंज आएगा कैरेक्टर में, और अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे विल पावर से या थॉट प्रोसेस से या आदर्श फॉलो करके किसी का, तो एट बेस्ट यू विल बिकम ए हिपोक्रेट, यू विल नॉट चेंज, यू विल शो एज इफ यू आर ए डिफरेंट पर्सन, बट इंटरनली यू विल रिमेन व्हाट यू आर। तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो ध्यान की दिशा में आपको चलना पड़ेगा। तो अब ध्यान करना है, तो ध्यान करना है तो क्या करना है, तो ओशो के संपर्क में थे तो ओशो से सीखेंगे, तो गए हुए थे इलाहाबाद पत्नी के साथ, तो उसने कहा कि वो हमारे एक बेस्टमेट है मिस्टर एस एम निगम, उनके बड़े भाई ओशो के सन्यासी थे, वो चोगा वोगा पहनते थे, माला वाला ओशो भी पहनते थे, तो सुमन ने कहा कि आप यहाँ तो 8-10 दिन लोग हम लोग रुकेंगे, आप 2-4 दिन पास में ही 1 घंटे का रास्ता रायबरेली,
तो आप उनसे मिलाइए, उनसे सिखाइए, आपको ध्यान सीखना है, वो तो सन्यासी है ही है। मैंने कहा हाँ ये आइडिया अच्छा है। तो सुमन के इनिशिएटिव पर मैं गया रायबरेली, वहां सीखा भी था 4-5 दिन बैठ करके। तो उन्होंने कहा कि भाई यहां तो ठीक है तुमने सीख लिया, लेकिन जो आश्रम का माहौल होता है, वहां का जो एनर्जी लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, तो वहां जाकर के सीखोगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। मैंने कहा चलो भाई। तो सुमन बहन को कहा, मैंने कहा मुझको जाना है पूना। कहा चलिए हम भी चलते हैं। तो गए हम लोग। तो सुमन हमारे एक फ्रेंड के साथ रुक गई और मैं आश्रम के अंदर ही रह रहा था उस समय। और फिर 5 दिन का वो कोर्स था, तो उसमें नाद ब्रह्म मेडिटेशन, नटराज मेडिटेशन, डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, दरवेश डांस, ये सब हमने सीखा विखा वहां बैठ करके। तो एक और चीज जिससे मुझको ओशो के प्रति प्रेम ज्यादा रहा वो था, वो कहते थे कि खान पीन और आपका व्यवहार क्या है उससे मुझको कुछ लेना देना नहीं है, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपका व्यवहार क्या है, कंडक्ट क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि बस 1 घंटा ध्यान का मुझको दे दो, बाकी अपना जीवन जैसा जी रहे हो वैसा ही जीते रहो, उसमें कोई परिवर्तन सोच विचार के आधार पर लाने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन कि आपको शरीफ आदमी बनना है, ये ऐड करने की आवश्यकता क्या है, इससे तो और झंझट पैदा हो जाएगा। तो उसको रहने दो, तुम ध्यान करो, ध्यान के द्वारा जो बदलाव जीवन में आना होगा वो अपने आप आएगा, और जो नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। तो मैंने कहा ये गुरु बढ़िया है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से। तो उस समय दारू भी पीते थे, मुर्गा भी खाते थे, सिगरेट भी पीते थे, सभी कुछ करते थे उस जमाने में। तो शुरू कर दिया वो ज्ञान ध्यान आकर के। 3 महीने हुए थे तो एक ओशो और कहा करते थे खाने के मामले में, कि जब कोई पूछता था खाने में क्या खाना चाहिए, वो कहते थे कुत्ते को मालूम है, गाय को मालूम है, गधे को मालूम है क्या खाना है, तुमको मैं बताऊंगा। बॉडी हैज, गॉड हैज गिवन यू दिस बॉडी विच कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट यू शुड बी ईटिंग व्हाट यू शुड नॉट बी ईटिंग, वो आपकी समझ है, और ये डायनेमिक प्रोसेस है, स्टेटिक नहीं है, वो समय के साथ आपके मेंटल स्टेट के साथ एज के हिसाब से वो सब चेंज होता जाता है। तो यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, व्हाट एवर सूट्स यू यू शुड हैव, व्हाट एवर डजंट सूट यू ड्रॉप, डोंट गो बाय एनी फिक्स्ड फार्मूलाज और फिक्स्ड काइंड ऑफ डाइट प्लान्स। मैंने कहा ये भी बहुत बढ़िया है। तो खैर 3 महीने हुए ध्यान करते हुए, तो चाइनीज फूड हॉट एंड सॉल्ट चिकन सूप और चिली चिकन नूडल्स बहुत अच्छा लगता था। तो 3 महीने में वो जब खाया तो उल्टी होना शुरू हो गई, सोचा बाई चांस हो गया होगा, दोबारा ट्राई किया फिर वही हुआ, तो आई हैड टू ड्रॉप द आइदर नो अल्टरनेटिव। 3-4 महीने और हुए तो सिगरेट पीने से मुंह के अंदर ऐसी रफनेस हो जाए और इतना खराब टेस्ट हो जाए, इट वॉज नो मोर ए प्लेजर, तो फिर स्मोक छूट गया। फिर 1-2 साल निकला, तो जिस दिन बहुत कम लेता था मैं ड्रिंक वैसे, पर लेता था, तो ड्रिंक लिया तो नेक्स्ट डे लेफ्ट नी में मेरे पेन हो जाए। जब कई बार वो रिपीट हो गया तो फिर मैं कहा भैया छोड़ो इसको, इस शरीर को टॉर्चर करने की क्या जरूरत है, फिर उसको बंद किया। तो ऐसे पूरे बदलाव आते चले गए एज फार एज फूड हैबिट्स आर कंसर्न।
और जितनी तामसिक चीजें हैं धीरे धीरे करके एक एक करके जैसे ध्यान आगे बढ़ता गया वो एक एक करके सब छूटती चली गई। नाउ कमिंग टू मेडिटेशन पार्ट, ओशो का ये कहना था कि भाई देखो प्राण ऊर्जा लाइफ एनर्जी अगर अच्छी तरह बिल्डअप न हो तो आपकी पावर ऑफ परसेप्शन बहुत कम रहेगी, तमस आपके अंदर ज्यादा रहेगा, तो आप परसीव नहीं कर पाएंगे चीजें, ध्यान में नहीं जा पाएंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कहते थे कि हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस के अंदर सेप्रेस्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस इकट्ठे हुए हुए हैं। छोटा बच्चा होता है, माँ बाप बड़े हैं, वो डांट देते हैं, किसी पे चीज पे मार देते हैं, तो अंदर से रिएक्शन तो पैदा होता है बच्चे के अंदर, लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि फिजिकली कैपेबल नहीं है, तो उसके अंदर वो क्रोध रह जाता है। हंसता है बच्चा तो सब बड़े खुश होते हैं, रोने लगता है तो पहले बहला फुसला के चुप करने की कोशिश करते हैं, डांट के चुप करने की कोशिश करते हैं। वी हैव नो एक्सेप्टेंस अबाउट क्राइम, तो उससे इरिटेशन पैदा होता है हम लोगों को, तो बिकॉज ऑफ दैट वी डू नॉट परमिट चिल्ड्रन टू क्राई। थोड़ा बहुत क्राई कर लेते हैं फिर भी वो, बट प्रलोभन दे करके, कुछ खिला पिला करके, कुछ घुमा फिरा करके कोशिश करते हैं कि चुप हो जाए। जो एक भाव पैदा हुआ था रोने का, एज नेचुरल एज लाफिंग और स्माइलिंग, उस नेचुरल भाव को हम व्यक्त होने का मौका नहीं देते, वो सप्रेस होकर के अंदर पड़ा रह जाता है, ऐसी फियर बैठ जाता है। तो ये सब चीजें हमारी सबकॉन्शियस लेयर्स में पड़ी हुई है। नाउ जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसी भी अपने परिवेश में, सामाजिक या ऑफिशियल, कोई आदमी आपको लगेगा कि ही इज अ वेरी कूल मैन, बड़े शांत प्रकृति के हैं और बात को प्रेम से सुनते हैं। एक लगता है बहुत ही हॉट टेम्पर्ड है, जरा सा कुछ हुआ और उठा फेंक देता फाइल। घर में भी ऐसे होता है, कुछ होते हैं जो कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते, फुल ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी, लैक ऑफ कंप्लीट कॉन्फिडेंस। ये अलग अलग टाइप के ऐसे ऐसे लोग क्यों होते हैं, ऐसा मेकअप क्यों होता है? तो उसको कहते थे कि ये सबकॉन्शियस लेयर के अंदर जो फीलिंग्स एंड इमोशंस सप्रेस पड़े हुए हैं वो उसको आपको पता नहीं लगता है, क्योंकि यू रिजाइड इन कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस का आपको आइडिया नहीं है, लेकिन वो एज अंडर करंट ऑलवेज अवेलेबल है। जब कोई बाहर की सिचुएशन ऐसी होती है वेयर यू कैन अफोर्ड टू बी एंग्री, सामने वाला कमजोर है, सबऑर्डिनेट है या कोई टैक्स पेयर है, वो नहीं आपके सामने बोल सकता है, तो योर रिएक्शन, या छोटा बच्चा है तो योर रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज टू द एक्चुअल हैपनिंग। उसकी जो सीवियरिटी है, ग्रेविटी है, जो किसी ने गलत किया, दैट मे बी वेरी स्मॉल आइटम, बट आवर रिएक्शन इज टू मच बिकॉज पेंट अप थिंग्स आर देयर, दे जस्ट फाइंड कि ये रिलीज का मौका मिला, फट से निकल करके ब्लास्ट हो जाता है। ऐसी अगर फियर की सिचुएशन पैदा हो जाए, कोई टेंशन की बात पैदा हो जाए, तो यू आर ग्रिप्ड बाई ए वेरी सीवियर फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। तो वो कहते थे जब तक नीचे तलहटी में पड़ा हुआ, गोडाउन में पड़ा हुआ कचरा जब तक साफ नहीं करोगे तब तक ज्ञान ध्यान नहीं हो सकता। मेडिटेशन के लिए वो स्टेज क्रिएट ही नहीं होगी जब तक क्लिंजिंग नहीं होगा सबकॉन्शियस का, तो उसको क्लिंज करो। और थर्ड चीज कहते थे कि नाउ किसी चीज को छोड़ने से, त्याग करने से,
कोई वैराग्य को उपलब्ध नहीं हो जाता, ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाता, कोई कपड़े छोड़ करके या भोजन छोड़ करके महावीर नहीं बन जाता। लेकिन महावीर अगर बन जाए तो भोजन की और कपड़े की आवश्यकता शायद ना रहे। तो इट इज नॉट कि त्याग के द्वारा आप पालेंगे, नहीं, आप पालेंगे तो बाहर की चीजें इतनी फीकी और हल्की हो जाएंगी, वो अपने आप छूट जाएंगी, अपने आप गिर जाएंगी, दे विल पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, जो एक्सटर्नल चीजें। तो आपको पहले पाना है, उससे छूटेंगी चीजें, छोड़ करके आप पा नहीं सकते। तो उसके लिए मेथड्स क्या है? तो उनका जो सबसे पावरफुल मेडिटेशन जो इनिशियली वो सबको करवाते थे और शुरुआत उन्होंने उसी से की थी और छोटे छोटे ग्रुप्स में पहले खुद ही हैंडल करते थे वो, तो उसमें उसको कहते थे वो डायनेमिक मेडिटेशन, समग्र ध्यान। तो उसमें फर्स्ट स्टेज वाज 10 मिनट्स ऑफ वेरी वेरी फास्ट ब्रीदिंग, एक्सट्रीमली फास्ट, आधे मिनट के अंदर ही सर घूम जाए, इतना तेज कराते थे, खड़े होकर के बॉडी ढीला छोड़ करके एंड वेरी फास्ट ब्रीदिंग, वेरी फास्ट ब्रीदिंग। तो एक आध मिनट में सर घूम जाए आधे मिनट में, और 10 मिनट तक, और फिर उसको जो 8 मिनट हो जाते थे कहते थे बस और जोर, पूरी शक्ति लगा दो, 99 डिग्री पर पानी ही रहेगा, 100 डिग्री होना जरूरी है तभी भाप बनेगी, डोंट होल्ड बैक, पुट इन ऑल यू हैव, ऑल योर एनर्जी, फास्टर डीपर, फास्टर डीपर, बोलते जाते थे टू मेक अप दैट प्रेशर। तो 10 मिनट्स के बाद भयंकर पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा फैली हुई है, सब जगह उथल पुथल मचा रही है, जहां भी सब कॉन्शियस में कहां भी जो थॉट मोशन पड़े हुए हैं उनमें भी खलबली मच रही है बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा एनर्जी। तो नेक्स्ट 10 मिनट वो कहते थे कि नाउ लेट गो, ये जो अंदर से जो भी आ रहा है, मारने पीटने का भाव आ रहा तो घूंसा चलाओ, चीखने चिल्लाने का हो रहा रो, रोने का भाव आ रहा रो, तो व्हाट एवर काइंड ऑफ इमोशन सरफेस इज एट दैट टाइम, तो उसके साथ फुल्ली कोऑपरेट करो, अलाउ इट टू ग्रो। तो उसको करते थे। तो ये एक तरीके से एक दूसरा मेडिटेशन जिब्रिश उसकी तरह है। तो दिस वाज फॉर क्लिंजिंग द सबकॉन्शियस, जो भी रोना क्रोध जो भी अंदर पड़ा हुआ है उसको सबको बाहर निकलने का एक रास्ता प्रोवाइड होता था। तो ये सेकंड पार्ट था उसका। फिर थर्ड पार्ट था कि पंजों के बल उछल करके, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर किया, पंजों के बल उछल उछल करके हु 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 लाइक दिस कराते थे। कहते थे ये चोट करता है अधिष्ठान स्वाधिष्ठान चक्र पर और वहां से एनर्जी जागृत होती है। तो फिर वो 10 मिनट उसको कराते थे, वो हाथ ऊपर किए किए कूदते कूदते 4-5 मिनट में ही बहुत बुरी हालत हो जाती थी, हाथ ऊपर करने में दर्द करने लगते थे सब, लेकिन करते जाओ 10 मिनट्स का था उनका। तो ये 30 मिनट्स तक एक्सट्रीम एक्टिविटी, एक्सट्रीम एक्शन कराते थे और उसके बाद सडनली कहते थे स्टॉप, अचानक स्टॉप, जैसे हो वहीं के वहीं रुक जाओ स्टैचू। नाउ आफ्टर दैट एक्सट्रीम एक्टिविटी ऑफ हाफ एन आवर, जब अचानक रुक जाते थे तो सारे बॉडी में क्या क्या हो रहा है वो एकदम परसेप्शन में आता था। दिल झड़क रहा है, दो जा रहा है, सर के अंदर हो रहा है इधर उधर। तो योर एनर्जीज आर एक्टिवेटेड, योर पावर ऑफ परसेप्शन इज एट द हाईएस्ट, एंड एट दैट मोमेंट
you are able to observe whatever is happening in your body in that moment. तो कहते थे वो कि उस समय some by chance it will happen that you will know that you are different, you are the perceiver, and you are able to perceive what is going on in your body and mind. ये जो अनुभव है एक अपने होने का, एक सेपरेट आइडेंटिटी का, एक डिफरेंट देन बॉडी एंड माइंड, ये एक्सपीरियंस सडनली इन दैट मोमेंट व्हेन यू कम फ्रॉम एक्सट्रीम एक्शन टू एब्सोल्यूट इनएक्शन फिजिकली, उस मोमेंट में वो ज्ञान आपको किसी समय मिल जाएगा. वही ध्यान है, वही ध्यान का एक्सपीरियंस है. तो ये चलता था. ये फोर्थ स्टेज वाज स्टैचू. और उसके बाद थोड़ा 10 मिनट का शवासन, तो आराम से लेट जाइए एंड जस्ट रिलैक्स एंड लेट दैट एनर्जी एंड वट एवर फीलिंग्स आर देयर परवेड योर बॉडी एंड माइंड. फिर बहुत लाइट म्यूजिक शुरू करते थे, वेरी लाइट, और फिर उसमें यू जस्ट स्विंग विद इट, जस्ट एंजॉय दैट स्टेट, जस्ट हैव अ लिटिल डांस और मूवमेंट. तो दिस वाज द डायनेमिक मेडिटेशन. इफ एनीबॉडी डज इट फॉर 3 months, डेफिनेटली ग्रेट मिरेकल्स विल हैपन इन द पर्सन्स लाइफ एंड देयर विल बी सफिशिएंट क्लींजिंग ऑफ इंटरनल थिंग्स. तो ये एक मेन मेथड था उनका. फिर और भी मैं करता था, नटराज मेडिटेशन करता था, नाद ब्रह्म मेडिटेशन करता था. नाद ब्रह्म भी बहुत अच्छा मेडिटेशन है, आप लोग थोड़ा थोड़ा सब लोग जानते हैं उसको. उसमें ओशो का, लेकिन 1 घंटे का होता था कोई मेडिटेशन, कम का कोई नहीं होता था. हाफ एन आवर भ्रमरी, जस्ट हमिंग साउंड, आधे घंटे तक इसको कराते थे. फिर 7.5-7 मिनट के 2 और स्टेप थे उसमें, और फिर 15 मिनट का शवासन था. तो इसके बारे में कहते थे कि ये जो वाइब्रेशन आफ्टर फ्यू मिनट्स इतने पावरफुल्ली आपके सारे शरीर में फैल जाती है, यू कैन फील देम इन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इफ यू डू इट ए लिटिल लाउडर एंड लिटिल डीपर, तो वो महसूस होगी. उससे जो भी आपकी नाड़ियां हैं जिनके अंदर प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होती है, जो अलग अलग शरीर के अंगों में प्राण ऊर्जा को लेकर के जाता है, नाड़ियां जो रास्ता है, उसी से हीलिंग होती है डिफरेंट पार्ट्स की. ये हम लोगों के लाइफ स्टाइल के कारण से या किसी और कारण से वो नाड़ियां कुछ कुछ ब्लॉक हो जाती हैं. ब्लॉक होने से प्राण का फ्लो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी नहीं होता, कहीं ठीक से होता है कहीं नहीं होता. जहां ठीक से नहीं होगा वहां हीलिंग नहीं होगी, नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीलिंग विल नॉट टेक प्लेस, और वो हिस्सा फिर धीरे धीरे आपका बीमार हो जाएगा, किसी चीज से परेशान हो जाएगा. तो दिस भ्रमरी, दिस वाइब्रेशन क्लींजेस दोज ब्लॉकेजेस, वो खुल जाती हैं और फिर वो प्राण ऊर्जा सब जगह अच्छी तरह प्रवाहित होना शुरू हो जाती. तो ये एक और मेथड था. फिर थोड़ा और बात करूंगा इसका थोड़ी देर बाद. अभी जो एक मैं बताना चाहता था कि जैसे मुझको ज्ञान ध्यान के द्वारा इन चीजों को निकालना पड़ा, कैसे निकाला आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कैसे निकला मेरे अंदर से. बट ये अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो हम अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं. मतलब जो छोटा बच्चा है उसका रोने का मन है तो रोने दो ना, उसको गोद में उठा लो, उसको
कमर पे उसके हाथ फेरो अफेक्शनेटली। तो मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे, फॉर्चुनेटली मैं ये सब जान चुका था उस समय, तो जब वो बच्चा, एक को कोई खिलौना चाहिए, दूसरे को भी वही वाला चाहिए, वैसा ही दूसरा दे दो तो नहीं चलेगा, फिर उसको नहीं मिलेगा तो वो रोएगा। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता था कि बेटा ये रो रहा है इसको दे दो, नहीं, जो जिसके पास है वो रखे, जो दूसरा रो रहा है उसको उठा लेता था मैं, उठा करके गले से लगा करके प्रेम से उसके कपड़े में अंदर हाथ डाल के कमर पे हाथ फेर करके सहलाते हुए उसको कहता था, बोला बेटा थोड़ा और जोर से रो, रोगे तो तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 1.5 साल के बच्चे को ऐसी बात कहता था मैं, 1.5 साल 2 साल के बच्चे। तो वो रोया थोड़ी देर, तो अगर जोर से रोएगा तो 1-2 मिनट में फिर शांत हो जाते हैं, उनका निकल गया जो निकलना था। फिर मैं कहता था, तब तक वो दूसरे बच्चे का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया उसमें से, जो चीज जिसको चाहिए थी। तो मैं कहता था, बेटा ये मिल गया ले लो, कहता नहीं चाहिए। तो मैं कहता, मैं देखो ये तुमको नहीं चाहिए था, ये तो है अवेलेबल, कहां ले रहे हो तुम? उस समय तुम्हारा रोने का मन था, तुमको लगता था कि इस कारण से ये रोने का मन हो रहा है, ये मिल नहीं रहा है, दैट इज नॉट द एग्जैक्टली रीजन। जैसे हंसता है आदमी ऐसे रोता भी है, जैसे हाई एक्सुबरेंस में आता है ऐसे डिप्रेशन में भी जाता है। तो ये कारण नहीं है, रोने का मन था इसलिए रो रहे थे, ये कारण इसका नहीं था, ये चीजें बताता था मैं। अच्छा, तो बच्चों को डराना, धमकाना, रोना, गाना, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, उनको एक नेचुरल तरीके से चलो। अब प्रेम से रखोगे, प्रेम से समझाओगे तो बात सुनेंगे भी। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अफेक्शनेट टच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वन्स लाइफ। बच्चों को हक करना, प्रेम से रखना, हम लोग बच्चों का भाग्य नहीं चेंज कर सकते, उनके संस्कार चेंज नहीं कर सकते हम, वो तो जैसा प्रारब्ध लेकर के आए हैं वो तो वैसे ही ग्रो करेंगे, हमारे सुधारने से या चेंज करने से कोई चेंज नहीं होता है, अपने हिसाब से ही होगा वो। एक खलील जिब्रान हुए हैं, उन्होंने द प्रॉफिट एक किताब लिखी है, कविताएं हैं उसमें, तो उसमें एक जगह चिल्ड्रन के बारे में वो लिखते हैं, चिल्ड्रन कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू, यू आर द बो, दे आर द एरोज, द वन हु होल्ड्स बोथ बोथ एंड द एरो नोज द टारगेट। तो आप धनुष हैं, वो बाण है, दोनों एक प्रकृति के एक दूसरी शक्ति के मिस्टीरियस फोर्स के हाथ में है, वही जानता है कि ये बाण कहां जाएगा, उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ प्रेम एक ऐसी चीज है जो हम बच्चों को दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकते, बाकी सब उनका जीवन जैसा चल रहा होगा वैसे ही लगेगा। अफेक्शनेट हगिंग, साथ में सुलाना, उससे एक रीएश्योरेंस का भाव, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का भाव डेवलप होता है। तो उस तरीके से अगर हम बच्चों को रखें तो फिर वो बाद में सबकॉन्शियस क्लियर करने के लिए वो डायनेमिक मेडिटेशन और जिब्रिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आराम से बच्चे ठीक से डेवलप होंगे। एंड आई फील हैप्पी दैट बोथ माई डॉटर्स हैव ग्रोन अप वेरी वेल विद दैट काइंड ऑफ थिंग विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम मी। और वो कभी भी, चाहे पढ़ने के मामले में हो, कैरियर के मामले में, जब वो 3rd 4th में पढ़ते थे तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बेटा तुम्हारी जिंदगी है, तुमको जैसा जीना हो वैसा जियो, टीवी देखना टीवी देखो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, खेलो बाहर, तुम देखो। और ये पढ़ाना वढ़ाना भी हम लोग नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं पूछेंगे क्या किया कि नहीं किया तुमने, तुमको अगर हमारी हेल्प की जरूरत हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, बट आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू, तुमको जब चाहिए बता दो ना,
तो मैं पढ़ा दूंगा तुमको। तो एकदम उनके मार्क्स 95 वाले के 60 हो गए और 90 वाले के 50 हो गए, जो 95 थे वो 50-60% पे आ गया। स्ट्रॉन्ग आदमी, मैंने कोई बात नहीं बेटा चलने दो जैसा ठीक लगे चलते गए। अब मैंने कभी नहीं पढ़ाया, ट्यूशन कभी नहीं पढ़ाया, कभी पूछते थे तो बता देते थे। तो स्लोली दे स्टार्टेड पिकिंग अप अगेन, वो फिर अपना 90-95% पे आ गई जो छोटे वाली थी, फिर अपना इंजीनियरिंग करके अभी माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रही है अमेरिका में सिएटल में। दूसरी थी उसने उसको लिमिटेड टाइम देती थी, तो शी डिड नॉट डू दैट वेल। तो जब 12th पास किया तो मैंने कहा बेटा आर्ट्स कर लो तो आसान रहेगा शायद, बाकी तुमको इंजीनियरिंग में जाना है तो इंटेलिजेंस तो तुम्हारे पास है, अगर लेबर करने की कैपेसिटी हो तो चली जाओ। कहने पापा ठीक है मैं आर्ट्स ही करती हूँ। देन शी ऑल्सो डिड वेल एंड लेटर ऑन शी डिसाइडेड कि पापा मेरा पति तो ठीक कमा लेता है तो फिर मुझको काम करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक है, घर संभालना काम बहुत बड़ा काम है। तो शी इज मैनेजिंग हर होम एंड मैनेजिंग इट सो वेल दैट आई एम फील प्राउड ऑफ हर। तो इफ वी bring up our children in that kind of atmosphere where we allow them to grow on their own with love and affection facilitating the process affectionately dealing with them, aur phir wo aapse pooch ke hi karte hain agar unko pata hai ki ye hamesha haan bolte hain to phir unko kuch chhupane ki aavashyakta nahi rehti, properly develop। तो खैर इस पे और टाइम नहीं देता और आगे चलते हैं। तो क्या हाँ, तो फिर एक पॉलिटिशियन ने जब मैं ध्यान शुरू किया 6 महीने बाद मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दिया। तो पॉलिटिशियन की कंप्लेंट, मुझको पता लगा कि 5 साल तक आदमी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है आईबी के द्वारा, जिसकी कोई पॉलिटिशियन कंप्लेंट कर दे उसका नाम कैबिनेट सेक्रेटरीट के रजिस्टर में लिख लेते हैं। तो देन आई हैड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि भाई 5 साल के लिए आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। तो दैट वाज अगेन सच ए बिग बून, सच ए बिग थिंग कि मैं फिर थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं हुआ, किसी टेम्पटेशन या किसी चीज में भी नहीं आया, और उसको इतनी अच्छी तरह काम अपना किया क्योंकि आई हैड नो अदर ऑब्जेक्टिव। अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करना, अब मेरे बॉस बहुत अच्छे थे पुराने, तो उनसे इन्वेस्टिगेशन टेक्निक में बहुत अच्छी सीख चुका था ऑलरेडी, बहुत सर्चिज में पार्टिसिपेट किया था और कॉम्पिटेंस गेन कर लिया था, उसको यूज किया। तो आई रिसीव्ड सो मच ऑफ एप्रिसिएशन फॉर माय वर्क फ्रॉम माय बॉसेस कि जो एक नीड फॉर रिकॉग्निशन, नीड फॉर एप्रिसिएशन जो आदमी के अंदर होती है वो सेटिस्फाई हो गई। तो जैसे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स आप लोगों ने सुना होगा कि बेसिक नीड है फूड एंड सेक्स, सेकंड लेवल ऑफ नीड्स वह सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, थर्ड सेट इज डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, नीड फॉर रिकॉग्निशन दैट यू आर रिकॉग्नाइज्ड बाय योर पीयर्स बाय योर सीनियर्स बाय योर जूनियर्स। अगर ये नीड फुलफिल जब नीचे की थोड़ी हो जाती है तब ऊपर वाली जागृत होती है, जब वो पार्ट की फुलफिल होती है तब उससे नेक्स्ट जागृत होती है, उसके ऊपर फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो अनलेस दिस नीड फॉर रिकॉग्निशन इज सेटिस्फाइड, वो नेक्स्ट नीड फॉर रियलाइजेशन दैट विल नॉट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विल नॉट अराइज। तो उसको फुलफिल करने में उनका इतना बड़ा योगदान रहा
मैं हमेशा अपने मन में उनको प्रणाम करता हूँ, मिलने का मौका तो नहीं मिला, कि उनके कारण से मेरी एक ये नीड नीड फॉर रिकॉग्निशन सेटिस्फाई होगी नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। तो देन मैं एक ओशो की एक दूसरी किताब है, टाइम हो गया ना, ओशो की एक दूसरी बुक है तंत्र सूत्र, उसमें 112 मेथड मेडिटेशन के दिए हुए हैं। तो मैंने वो पढ़ी और बहुत सारे मेथड मैंने उसमें से ट्राई करना शुरू किया, ट्राई करता गया, तब लगा कि इसमें एक कुछ मेथड एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे एक मेथड में कहते हैं कि ऐसा विजुलाइज करो कि तुम्हारे हृदय में एक दीपक जल रहा है, उसकी रोशनी शरीर के कोने कोने में चारों तरफ फैल रही है। एक दूसरा मेथड है, उसमें कहते हैं कि ऐसा विजुलाइज करो कि अंधकार है पूर्ण अंदर और पूरा शरीर अंधकार से व्याप्त हो रहा है अंदर। मुझको लगा ये तो एक दूसरे के उल्टे हैं, अगर मैं दोनों ट्राई करता हूं कभी कभी तो देर में भी देर में हार्म मी इन सम वे। तो मैंने एक पत्र लिखा ओशो को इन द ईयर 1988, 3 साल हो गए थे ध्यान करते हुए। मैंने उनको लिखा कि मैं ये कर रहा हूं, तो अब मुझको कंफ्यूजन हो गया है, मुझको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप गाइड करिए। उस समय पीक पर थे वो, उसके 1.5 साल बाद तो मर ही गए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ उनके फॉलोअर्स थे। बट आई गॉट माई रेस्पॉन्स सिटिंग इन लखनऊ इन 7 डेज, जबकि उस समय डाक व्यवस्था भी उतनी फास्ट नहीं थी। इसका मतलब मेरा पत्र जिस दिन पहुंचा उसी दिन जवाब उसका लिख दिया गया। तो गुरु तत्व है दैट काइंड ऑफ थिंग, कि ए थिंग जो सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, खुजलाहट नहीं है मेंटल, विच रियली इज नीडेड फॉर समवन्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो अपने आप गुरु को पता लग जाता है और गुरु उसको आंसर कर देता है। तो उसको तुरंत आंसर मिला, उन्होंने कहा। अच्छा, एक मैंने उनको ये भी कहा था कि डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम ये उछलने कूदने वाला मेडिटेशन करोगे, डायनेमिक मेडिटेशन, तो तुम्हारी आते हैं कमजोर, तुम्हारा इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं, पर तुमको हार्निया पक्का हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, ये भी मैंने लिखा उनको ओशो को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ नाद भ्रम करो रेगुलरली, दैट इज द मेडिटेशन फॉर यू, बाकी सारे बंद कर दो, कुछ मत करो उसके अलावा नाद भ्रम। सोने के पहले आधा घंटा जिब्रिश करो, क्योंकि वो डायनेमिक मेडिटेशन नहीं कर सकता था, तो उसके अल्टरनेटिव में सबकॉन्शियस को क्लींज करने के लिए उन्होंने जिब्रिश मेडिटेशन बताया। वो भी बहुत खतरनाक मेडिटेशन है, उनके सिंपल मेडिटेशन नहीं है। उसमें 40 मिनट तक लगातार चीखना चिल्लाना होता है, यू हैव नॉट टू यूज एनी वर्ड विच हैज ए मीनिंग, अटर नॉनसेंस। तो चीखना चिल्लाना कंप्लीट बॉडी मूवमेंट, हाथ पैर पटकना, रोकना, चीखना चिल्लाना, एंड नॉट यूजिंग एनी नोन वर्ड और विच हैज ए मीनिंग, 40 मिनट तक लगातार करते जाओ। 40 मिनट के बाद सडनली स्टॉप करेंगे वो, और फिर वो एक गाइडेड मेडिटेशन था जिसमें वो कुछ बोलते जाते थे एंड यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। दिस वाज ए लॉन्ग मेडिटेशन, 1 hour 20 minutes। तो जब आप चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, वो भी आप कॉन्शियस माइंड से ही डिसाइड करते हैं, इसलिए जब उसको करेंगे तो कुछ होगा नहीं इनिशियली, लेकिन रोज 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 करते जाएंगे उसको, तो कॉन्शियस माइंड गेट्स बोर्ड ऑफ दैट प्रोसेस और ये कभी हट जाता है बीच में से, एंड दैट एनर्जी गोज इनटू दैट सबकॉन्शियस लेयर्स और वहां से कुछ निकाल करके बाहर ले आती है। तो उसमें 3 मेरे अनुभव ऐसे हुए जो बहुत ही सर्जिकल थे
एंड एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने उसको, एक एक एक्सपीरियंस ने एक एक चीज को खत्म कर दिया। तो जब मैं ऐसी चीख चिल्ला रहा था एक दिन बैठ करके, अच्छा मुझको घर बंगलों मिला हुआ था बड़ा, उसमें आसपास में कोई दूसरा घर नहीं था, तो चीखने चिल्लाने में किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं था। तो मैं एक कमरा बंद कर लेता था, छोटा कमरा, और उसमें ओशो का एक वो लगा लेता था सीढ़ी, जिसमें हजारों आदमियों के चीखने चिल्लाने की, सैकड़ों आदमियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ भरी हुई है, एंड आई यूज टू ज्वाइन विद दैट, और उसमें चीखता चिल्लाता था बैठ के। तो ऐसे चिल्लाते चिल्लाते एक आध महीने बाद एक दिन मैं मुझको लगा एज इफ माई मदर इज देयर बिफोर मी, और मदर की कॉलर बोन्स में मैंने ऐसे गाली उंगलियां और फाड़ फाड़ के चिथड़े चिथड़े करके फेंक दी। इन दैट प्रोसेस जो मेरे अंदर बचपन से रिएक्शन पड़ा हुआ था, जिसको मैं भूल चुका था, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो माँ बाप के प्रति अनुग्रहित हो जाता है, उन्होंने कितना कुछ हमारे लिए किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है, तो वी स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू देयर गुड क्वालिटीज। उस चीज को भूल जाते हैं जो बचपन का है, तो निगेटिव फीलिंग कॉन्शियस माइंड में नहीं रहती, लेकिन सब कॉन्शियस में पड़ा हुआ है, और वो सिर्फ मदर के अगेंस्ट नहीं है, वो तो एक एंगर की ऊर्जा है, वो किसी भी प्रिटेक्स्ट पर आपके जीवन में बार बार निकल के वापस आती रहेगी, आप बार बार टेम्पर लूज करते चले जाए। इस एक सर्जिकल ऑपरेशन से मेरा मोर देन 90% ऑफ एंगर वाज गॉन इन सिंगल इंस्टेंस, फिर बाकी तो धीरे धीरे करते रहे बाद में, लेकिन मोर देन 90% वाज गॉन इन द सिंगल एक्सपीरियंस। फिर ऐसे में करता गया काफी दिन तक, एक आध महीना और हो गया, तो एक दिन मैंने देखा, लगा मुझको, मतलब देखा क्या लगा कि चारों तरफ भूत हैं, दे आर अटैकिंग मी, अब मेरी बहुत बुरी हालत डर के मारे। तो हवा में तैरते हुए अंगूठे के बराबर के शेप की एक सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी ओशो की तैरती हुई आई और जैसे मेरे हृदय में एंटर कर गई, और वहां बैठ के ओशो कह रहे हैं दिस इज मेडिटेशन, नो हार्म विल कम टू यू, कंटिन्यू एम्पावर्ड विद दिस एश्योरेंस। फिर मैंने मार मार के उन जो भूत भूत थे उनको सबको भगा दिया, तो भाग गए सब भूत भूत थोड़ी देर में। तो गुरु, दो आई डिड नॉट टेक दीक्षा फ्रॉम हिम, दीक्षा इसलिए नहीं लिया था कि वो मैरून चोगा और उनकी माला वाला फोटो लगा करके रहना ऑफिस में भी जरूरी था, दैट वाज प्री कंडीशन। तो किसी ने पूछा उनसे कि कपड़े का और माला का ध्यान से क्या संबंध, उन्होंने कहा हाँ संबंध तो कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है, इफ यू आर सो कंसर्न्ड अबाउट ओपिनियन ऑफ अदर्स, देन ये तो अल्टीमेट दुस्साहस है स्पिरिचुअल यात्रा, फिर ये आपके लिए नहीं है, फिर रहने दो। अल्टीमेट ये दुस्साहस है, इसके लिए दूसरों की ओपिनियन और इन सब चीजों से गवर्न आदमी को नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो रहने दो। अब देखिए भगवान की करनी, तब तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन जब ये ज्ञान ध्यान होने लगा मेरा, तो एक दूसरे हमारे रिलेटिव थे, उनके कहने से, वो गांधी जी के फॉलोअर थे, धोती कुर्ता पहनते थे, ऐसे ही उन्होंने कैजुअली बोला कि अरे स्वतंत्र कुमार तुम धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते। मैंने कहा मुझको क्या फर्क पड़ता, मेरा नाम ही स्वतंत्र कुमार है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। वो लेकर के आ गए धोती कुर्ता, पहनने में मुझको नहीं आता था, उन्होंने सिखाया, मैं पहनने लगा, एंड आई फाउंड इट टू बी ओके, शीशे में देखा हाँ ठीक तो दिख रहा है, एंड फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस इन दैट अटायर without bothering what anybody will feel. The purpose for which Osho had said that got fulfilled by itself through another mechanism. और जो दीक्षा तो मैंने उनसे नहीं लिया था, लेकिन जो पत्र मैंने उनको लिखा, उनका रेस्पॉन्स आया था,
उसके बाद ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके पहले नहीं हुआ था 3 साल में। तो इट अपीयर्स कि जो उन्होंने पत्र लिख करके ही मुझको दीक्षा उन्होंने दे दिया और सपोर्ट उन्होंने दे दिया मुझको। रिजल्ट क्या हुआ? जैसे पहले बॉस भी नाराज, घर में भी थोड़ा झंझट, फिर मैंने किया 3 महीने और ये चीजें मेरे उससे बाहर निकली, तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई एक रेंज में, वहां मैं बड़ा ऑब्जेक्टिवली काम करता था। 2 साल में 3 लोगों को एडवर्स रिपोर्ट दिया, एक को चार्जशीट किया, 2 को चार्जशीट किया, 1 को सस्पेंड किया। देयर वाज नो रिएक्शन। यूनियन वाला है धन्यवाद देने की, साहब ये बीमारी आपने खत्म कर दी ऑफिस से, वी आर ग्रेटफुल टू यू, सस्पेंड जब किया स्टाफ के आदमी। व्हेन देयर इज नथिंग नेगेटिव इन अस, इट इज परसीव्ड एज सच बाय अदर्स एंड देयर आर नो रिएक्शंस। तो जब चेंज हुआ अपने आप वो रिएक्शन बाहर से खत्म की शॉप, तो वो आते थे, कभी ओशो के बारे में बात नहीं करते थे, पर आते जाते रहते, मिलते खाने पीने की बात। तो जब तो इन्होंने उनको कहा कि अगर आपको किसी कर्मयोगी से मिलना हो, कर्मयोगी कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे करता है, तो चलो मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ एक साहब के पास। एंड देन जो उच्च पदाधिकारी थे उस आश्रम के, उनको मेरे पास ऑफिस में लेकर गया। तो दो आई डिड नॉट फील लाइक दैट, बट ही कुड परसीव कि अब ये थोड़ा क्लीनिंग इसकी हो गई है, अब इसका एक्शन एक ऑब्जेक्टिव तरीके से होना शुरू हो गया है। तो दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज सच। तो इसको सर अभी बंद करें, फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टाइम करें आगे। चलेगा सतंत कुमार जी, बट यू आर लिविंग एट ए वेरी एक्साइटिंग टर्न। तो आपने जो है पूरी कहानी एक बहुत बड़े से थ्रिलर की तरह से सुनाई है, तो लोगों की उत्सुकता रहेगी हमेशा। लेकिन मेरे ख्याल से आप अगले वीक में इस यहाँ से, जिसको कहते हैं गतांक से आगे हम लोग पढ़ते थे, जब किताबें पढ़ते थे अपनी कहानियों में आता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर एवरीबडी हैज बीन ग्रेटली बेनिफिटेड बाय दिस ट्रिमेंडस recounting of the spiritual journey, and which is only halfway through. There is a lot more that is going to come, and which I am sure you will all will look forward to very keenly. And Satant Kumar ji ne kaha ki ek do baatein main apni taraf se ek aadh baat bol deta hu. Unhone kaha ki inhein lagta hai ki wo usho के पत्र के माध्यम से दीक्षा मिली, क्योंकि जो लोग औपचारिक रूप से उनसे दीक्षा लेते थे तो उनको माला पहननी पड़ती थी और वो लाल रंग का वस्त्र धारण करना पड़ता था। तो बात ऐसी है कि वो बाहर का एक आवरण था, जो उनके सन्यासी भी और लोगों के सन्यासी की तरह से ही और धर्मों के सन्यासी या मंक्स की तरह से ही होते हैं, कि बहुत सारे लोग वस्त्र से सन्यासी होते हैं और एक अंतर से सन्यासी हो जाता है। सन्यास का मतलब क्या है? सत्य का न्यास, सत्य का जिसने चोला पहन लिया वो सन्यासी है। और जब सत्य का चोला पहनने के लिए आदमी तैयार हो जाता है तो गुरु उसको, जो सदगुरु होता है वो किसी भी तरह से दीक्षा दे सकता है। दीक्षा 4 प्रकार से दी जाती है।
शब्द से। कबीर दास जी को तो दीक्षा नहीं मिल रही थी, लेकिन वो बनारस में घाट पर लेट गए और रामानंद जी का पांव पड़ गया और अचानक रामानंद जी ने बोला राम राम, और कबीर ने पकड़ लिया और इसी से दीक्षा हो गई। क्योंकि सदगुरु के जो शब्द हैं उनमें जो शक्ति है, उनकी निहित शक्ति है, उससे शिष्य पकड़ लेगा तो दीक्षा हो जाएगी। दृश्य से दीक्षा हो जाती है। कितने लोगों को गुरु का फोटो देखकर, गुरु से मिल करके, उनके सानिध्य में बैठ करके उनके अंदर शक्ति जागृत हो जाती है, ध्यान लग जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो तो गुरु को नहीं देख रहा, गुरु उनको देख ले और इससे शक्ति से ट्रांसफर हो जाता है एनर्जी का। और तो शब्द से, दृष्टि से, दृष्टांत में, स्वप्न में हो सकता है ऐसा कुछ भी। और एक बहुत ही रहस्यमय है संकल्प से। तो गुरु के संकल्प की बात ऐसी है कि जब इन्होंने कहा कि मैंने पत्र लिखा और 7 दिन के अंदर जवाब आ गया, तो हमारे गुरु गुरुमाई ने कहा है कि व्हेन यू राइट समथिंग और व्हेन यू आस्क समथिंग फ्रॉम मी और व्हेन यू राइट समथिंग आई नो इट बिफोर द इंक इज ड्राई। क्योंकि गुरु की जो चेतना है वो वैश्विक चेतना है। इस विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं कुछ भी हो रहा है, अगर उनको याद किया गया है या उनके लिए कुछ है तो उनको तुरंत पता लग जाता है। और इसीलिए जरूरत है कि अंत में हम ऐसे ऐसे करते हुए कि अपना जो अंतर गुरु है, हमारी अपनी अंतरात्मा है, उससे ऐसा संपर्क सज जाए कि वो गुरु हमेशा हमारे के लिए उपलब्ध हो जाए, कोई भी प्रश्न उठे और उसका तुरंत उत्तर आ जाए। तो यात्रा हमको यहीं ले जाने वाली है और हम सभी उसी यात्रा के प्रतीक हैं। तो सुतन कुमार जी की इस यात्रा में हम फिर शामिल होंगे अगले सप्ताह में। तो अभी ध्यान करें। तो चूंकि गुरु चर्चा हो रही, तो मुझे लगा कि आज हम इस चर्चा में फिर एक बार गुरु के पास चलते हैं। तो आप सभी, सब लोग जहां बैठते हैं उनके पास कोई पेन पेपर है क्या? अगर हो सके तो पेन पेपर लेकर बैठो, रख लो, क्योंकि इसके बाद, बाहर आने के बाद, कुछ जो आपको कुछ लगे वो लिख लेना, अच्छा रहेगा। या अगर नहीं है पेन पेपर तो कोई बात नहीं, बाद में ध्यान जब समाप्त हो जाएगा उसके 10 मिनट 15 मिनट के अंदर लिख लेना क्या आपको क्या होता है। क्योंकि ये यात्रा हम ऐसे ही सोच रहे हैं करने की, जिसमें हम गुरु शक्ति के पास जाकर उनके साथ कुछ संवाद करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि इस जगत में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति से रोक रही हैं, और हमारे प्रयत्न में या एफर्ट में कैसे और धार आए और तेजी आए, हम अपनी योग्यता को और कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमारे गुरुदेव का क्या संदेश है। और गुरु तो सब कुछ जानते हैं। जो गुरु हैं वो हमारे साथ जन्म जन्मांतर से हमें देखते आ रहे हैं, और जिन लोगों के कोई सदैव गुरु नहीं है उनके भी गुरु हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स हैं जो अनंत काल से उनके साथ हैं, उनकी सारी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। तो उनसे यह भी जान सकते हैं कि मेरे लिए कोई स्पेशल मैसेज है क्या, वो मैसेज क्या है। तो अभी हम इस यात्रा पर निकलने की कोशिश करेंगे, और आप सभी से एक ही अनुरोध है कि कोई भी कृपया अपना माइक अनम्यूट न करें इस बीच में, क्योंकि ध्यान के बीच में जब बाहर की आवाजें आती हैं तो उससे
कभी कभी तारतम्य गड़बड़ हो जाता है। तो आप सभी एक सुखद स्थिति में बैठे, जो लोग लेटना चाहते हैं वो लेट भी सकते हैं। और एक-एक करके अपने शरीर के अंगों को शिथिल होने दें। ऐसा महसूस करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप ही ऊपर की ओर बढ़ रही है और आप थोड़े लंबे हो रहे हैं। आपका सर बहुत अच्छी तरह से कंधों पर संतुलित है। अपने हाथों को बहुत आराम से घुटनों पर रखें। और पूरे शरीर को मन ही मन देखते हुए जैसा शिथिल हो जाने दें। आंखें बंद कर लें एक गहरी सांस लें, जिसके साथ ऐसा महसूस करें कि पीले रंग का हीलिंग प्रकाश आपके अंदर जा रहा है। जस्ट फील दिस ग्रेट एनर्जी ऑफ हीलिंग स्प्रेडिंग इन योर बॉडी, लेट एवरी सेल बी परमिएटेड विद दिस एनर्जी एंड एज यू ब्रीद आउट लेट एनी नेगेटिव थॉट्स एनी अनवांटेड इमोशंस एनी सैडनेस ग्रीफ फियर टायर्डनेस जस्ट लीव योर बॉडी। So again, breathe in this deep healing energy inside. Hold for a moment and then gradually let it out. And feel your body relaxing further. One more time. Breathe this deep energy, this deep healing energy in a deep in-breath. Hold it for a moment and breathe out, relaxing yourself completely. Now allow this feeling of relaxation to drift down and feel that all the limbs of your body, all the muscles, they are being relaxed more and more. And this feeling of relaxation is spreading downwards, it reaches your toes, making you absolutely comfortable.
be aware of the completely relaxed toes. And then let this relaxation spread again upwards. So now you relax your ankles, your calf muscles, knees, thighs, hips, your abdomen. Feel going deeper and deeper into relaxation. Let the relaxation spread to the muscles of your back. Everything is becoming loose and relaxed. Relax the muscles of your chest. Now feel the relaxation is spreading to your shoulders and through your shoulders it goes down into the arms, the hands, palms of your hand and your fingers. Now let this deeper state of relaxation spread to your throat, relaxing the muscles of the throat, both on the inside and on the outside. Let it spread to your neck, your jaw, your eyes, your forehead, your eyebrows. Let the muscles behind your eyes relax completely. Now for a moment become aware of the top of your head. And feel the top relaxing. Now your whole body is relaxed. It is wrapped into a warm, loving blanket of relaxation. And I am going to count from 10 to 1. And with each count, let the relaxation deepen further. So I am going to start 10, 9, 8. You are going further down deep. 7, 6, 5, going still deeper, 4, 3, 2, 1. Now every muscle
Every tissue in your body is completely relaxed. In this state of relaxation, your whole body is functioning perfectly. Just letting go has made you feel so wonderful. Now the only sound you are interested in is my voice that is guiding you in this moment. And it is going to help you relax more and more. Now visualize yourself in a garden. It's the most beautiful garden you have ever seen. Full of flowers of different colors. Butterflies are flying around, making everything so beautiful. There is green grass everywhere. You just take your shoes in hand, start walking on the grass, and you can feel the grass underneath your feet. It makes you feel so wonderful. The touch of wet grass beneath your feet. There is a lovely breeze and you can feel the breeze against your face. It is caressing your hairs. It is filling your nostrils with fresh energy. Just roam around. And you notice that there is a stream nearby. Gently walk to the stream. The sand. The beach is sandy, the banks are sandy, it's very clean and beautiful. You can feel the water. And you lie down on the sands. Look at the beautiful sky. This vast expanse of blue. The clouds are floating by. You can see birds flying across in beautiful formations. Everything is so beautiful and so much full of energy. You feel transported to a different land. After enjoying this bit of nature, you feel like exploring the place and you get up and take a walk. So walk gently and slowly, soaking in everything that is around you. After a distance, you notice that there is a path
which is lined with trees, beautiful trees, and it is going up. And you instinctively know that this path leads to a healing cave, where you are going to meet your spirit guide and master. So start walking on that path. You are so keen to meet the guide or the master. Again, I am going to count backwards from 10 to 1. And at the count of 1, you will be inside the healing cave. Ten, nine, eight. You are going beyond your logical mind. Seven, six, five, four. And you are almost there. You can see the cave. And you can feel the energy of the master inviting you inside the cave. Three, two, and one. You are inside. There is a ball of energy . It is the presence of your spirit guide and master. You feel so much of love and longing. This energy beckons you. It just wraps you inside itself. You feel so comfortable, like a baby in the mother's womb, protected and cared for. This is the energy that has taken care of you for lifetime after lifetime. This is the energy that has guided you since time immemorial. And that is going to be there with you all times to come. And you can communicate with this energy through your thought. So you don't have to even say anything in words. Just have a thought and you will receive an answer with a thought planted in your consciousness. So as you feel this very safe, kindly, loving embrace of the spirit guide, you might like to ask, what is your purpose in this life? Wait for the master to respond.
If you have been facing any challenges, any special challenges in your life, maybe there are challenges of health, maybe there are challenges in relationships, maybe there are financial challenges or any other challenges, ask the Master, what do these challenges mean for me? What is the lesson that I can draw from these challenges? And wait for the answer. If you need any guidance for progress on the spiritual path, you can ask the Master. What is your command for me? I am ready. You tell the Master, I am going to be the Arjuna. After hearing the Lord, Arjuna said, Karishye Vachanam Tava, I shall do thy bidding. So please tell me, I will do what you say. Hear what the Master says. And lastly, you can ask the Master, is there any special message for me?
You want to express your love or gratitude in any manner, feel free to do so. Now it's time to bid farewell to the Master. Give thanks and retrace your steps to the entrance of the cave. You can feel the loving energy of the Master bidding you goodbye with the assurance that he is always there with you, looking after you and providing you with necessary guidance. Now you are walking back to the river bank from where you had undertaken this journey to the healing cave. So I'm going to count again from 1 to 10. Then you will be coming back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 and 10. You find yourself at the river bank. Lie down again on the bank. Just with closed eyes, just review this entire journey, this entire experience that you had of the presence of the Master. Recall some of the teachings or instructions, or just sheer love that you have received from the Master.
Now again, I'm going to count from 1 to 10, and to the count of 10, you will be completely awake. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Feel the temperature of your body, the taste in your mouth. Become aware of how your body is placed. With closed eyes, become aware of everything inside the room where you are sitting or lying down. And when you are ready, you may open your eyes. Once you can rub your hands, put them on your face, especially over the eyes, feel the energy. It helps their energy return back to the face. Take your time to come out. Difficult to ask, but anybody wants to share anything? No? You felt good or bad, whatever. What did you feel? It has been a great feeling, sir. It was really good. It was really good, and at times I was so deep into it that I was even missing the words that you were saying. I was absolutely in a different state of mind at that point in time, and at in between for some it happened for some time. That's fine. Sometimes you can go deep and then you miss the outer words become redundant. Sir, when you said that to feel the top of your head, I actually felt some sensation over there. Oh. And when you say that go to the river bank and feel the sand, I actually felt on my right foot, I feel some sensation. Sensation. So yes. You were very, very much into that experience. Yes. And when you said that, see that Guru is before you, your master is there. Somehow I could see a vacant rocking chair, and I don't know what does it mean, but it is very significant, because I said the master is like a ball of energy. So in your case, you know, you could feel that there is a chair and the master is rocking. It was a rocking chair. Very nice. Yes. Very good. That is what I specifically felt, sir, and I could. Otherwise, I was in. Any message that you received? I said that just be yourself, something of that kind. Just be yourself, something of that sort. Be yourself. Yes. It's a very significant message, Pandeji. Ji, sir. Because this is the message
which Soli Bhai sent to me after he had left his body through somebody. And later on, I kept on contemplating, because what does be yourself mean? See, it means, you know, like, be natural. Be natural. Be sir, natural. Sir. Don't Jee, pretend sir. To do anything. Don't pretend anything. So there should be this kind of, you know, oneness between your words, thoughts, words, and actions. Excellent. Whatever we think, that is what we speak, and that is what we do. So when there is congruity, inner congruity between these, then we are really being ourselves. Yeah. But right. Sometimes, often we don't do, you know, we are guided by so many other considerations that we try to sort of fashion our response to things or other. Here it is, the message is that you just be yourself. I think that was the message. It's a complete transparency. It's a great message. Yes, sir. Thank you. Anybody else? No? It's okay. But how many felt really good? Can you just raise your hands? Everybody felt good, sir. Everybody felt good. And that's it. See, being with the master is always exhilarating. Reena, you want to say something? You're smiling. It was a hugely fascinating experience, sir. When it was happening, it was like being transported into a very, very different realm. And bringing back was also equally magical. That's all I can say. And like every time, it is the same, yet in a very different way. Thank you, sir. Sort of consolidating a lot of things for me. And thanks to Swatantra Kumarji also. It was so, so beautiful to hear everything. And for a while, it has been an aspiration to go and learn certain things over there. Just keeping my fingers crossed that I get to do that. Thanks to both of you. So it was very, very profound. Swatantra Kumarji's talk was very profound. And I am sure that everybody has been helped. I think there were people who sent messages in the chat box. Vatsala said, beautiful introduction to the subject. And then Reena, you said, very profound. Again, Vatsala said, very serene. That is at 6:32. That means after the meditation. So I think we are already past 6:30. Yes. So it's time to... सुमन जी कुछ बोल रही हैं नहीं अपने को म्यूट अनम्यूट हाँ बोल रही कुछ पद्मा जी हाथ उठा रही थी मैं वो बोल रही थी अच्छा पद्मा वेयर इज पद्मा I just wanted to share, of course, I enjoyed the first part of the session only. It was my bad luck that I could join a little late today. But I wanted to just share with you that in between, I had some strange sounds coming out of my voice. I was making some peculiar sounds that I can't make otherwise. And I also cried bitterly, very much like... In the meditation? Yes, in the meditation. So you want an explanation for it? I thought I'll just share it. I don't know. If there is an explanation, I would be very happy. See, it is like this, that, you know, sometimes when the guru's energy is purifying you, then it starts, you know, the awakened energy. You have already received Shaktipat. And the awakened energy starts clearing up or cleaning all the channels of energy, the nadi systems. So it is like cleaning a drain that is clogged. So the energy sort of uses a kind of a big broom to just clean it. So when that cleaning happens, it can manifest in many ways. You know, sometimes your body can move. There are people whose bodies they have never done yoga, but the body takes yogic postures. Then there are people who start having these very strong pranayams, the Bhastrika pranayam, Brahmari happens. Some people who go into some kind of an animal lifetime, they start, you know, roaring like a lion or, you know, emitting sounds, animal sounds. Or this intense emotional purging happens. So that makes you cry. So that some kind of stored sanskar from past lifetimes or this lifetime
it has just been cleared. So it's a good sign that it is happening. The other thing I want to tell everybody else is that sometimes when we share these, and other people who are not having any such thing, they think that, oh, this is happening to, you know, Padma only, or I am not good enough. So please banish that idea. What is good for you, or what is desirable for you, is going to happen. I have all these things which Padma has described, or we feel it, these are described as kriyas. In the yogic word for them is kriya. So whether you emit sound, whether you, there is intense emotional thing, or there's some yogic thing happens, or pranayam happens, these are kriyas which may happen in meditation. But there are people who don't have any kriyas. I have never had a kriya in my life. But the test is that if we are meditating, if we are on the path, like Satanta Kumarji said, internal cleansing has to happen, and that must transform our life. So the test is, the test of the pudding is in eating it, and the pudding is here, right here in our lives. So if we are eating the pudding of our life and we are feeling that it is tasting better and better every day, then we are on the right. So I think Sir, Vatsala ji has raised her hand. Vatsala ji, kahan hai? Vatsala ji. I've already said, sir, sorry, I'm not putting it down. Okay. You are most welcome. So we close it now. Bolo. मुझे तो कभी भी वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने कुछ रेड फाउंटेन सा देखा, मतलब नीचे से शुरू होकर के पूरा क्लाउड जैसा होकर के समथिंग रेड, आई डोंट नो व्हाट इट इज, समथिंग लाइक दैट. इट ओनली सिग्निफाइज द असेंशन, द मूवमेंट ऑफ एनर्जी अपवर्ड्स. हां, समथिंग ऑरेंज कह लीजिए, ऑरेंज रेड, समथिंग लाइक दैट. बहुत अच्छा. मैं बोलूं? हाँ बोलिए. यस, वो मैं तो बीच में गायब हो गया था, मुझे पता ही नहीं पता क्या हुआ, आई डोंट नो एग्जैक्टली. लेकिन जब मैं एंटर कर रहा था केव में, तो जैसे वो ब्लू लाइट पहले जो दिख रही थी वो गायब हो गई, एंड देयर इज अ ब्राइट येलो लाइट, आई डोंट नो व्हाट, एंड देयर वाज नो पर्सन और समथिंग लाइक दैट व्हेन आई एंटर्ड फॉर गुरु. But there was a little light, but different kind, yellow color tea. Or feeling bahut achhi thi. So that is the important thing. That is why when I, the instructions, I had said that you will encounter Guru in the form of a ball of energy. Okay. So that is what I had said. So perhaps you were, you know, conked off at that time, or you had gone so deep that you were not conscious of what was being said. So, but what you received or what you saw was, you saw the Guru in the energy form, and you felt good about it. So that is good. And any conversation you had, any questions you asked, whatever answers you have received today, so people may not like to share it here. That is why I had said, please keep a notebook and pen, write that down. It will really work for you. And even if you have not received any answer, you just felt love, that is good. Because perhaps there are no answers that you need to have at this point of time. That is why you did not receive answers. But I am sure there may be people who have had questions of life. They have challenges in people's lives. They asked questions about their challenges. They must have received some answers, some input. So at least those things you write down will be very helpful. So thank you, everybody. You have been a very patient audience today. But not so patient. We were 70 at one point of time. Now we are 47. So people have gone. That doesn't matter. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति 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 सद्गुरुनाथ महाराज की जय।